Hi guys, hope you all are well and you take good care of yourself. And as we know that दैट कि ये time बहुत ज़्यादा high है ठीक है ना Covid आ रहा है और हमारे exams भी आ रहे हैं और हमें अपनी health के लिए भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और I really hope that you like my videos and एंड ये आपको थोड़ा बहुत कर helpful कर रहा होगा और अगर आपको थोड़ी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं ठीक है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपना जो भी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशनस प्रोवाइड कर सकूँ ठीक है आपको वीडियो के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं मतलब उससे कुछ भी आपको लगता है कि ये ये मैं इसमें मैं काम कर सकती हूँ ये और भी बेटर हो सकता है ठीक है इस तरह की चीज़ों अगर आपको कुछ फेस कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है तो आप फील फ्री टू कमेंट मी ठीक है आई विल ट्राई टू यू नो गिव सर्विसेज एंड फ्रॉम माई एंडस और जो भी हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूँगी राइट सो एज यू नो दैट वी आर डूइंग थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ पार्ट ऑफ चैप्टर ट्वेल्थ प्रोटेक्शन क्लास ट्वेल्थ है बिजनेस स्टडीज और जिसका मैं ऑलरेडी फिफ्टी परसेंट ऑफ दी जो पार्ट है इस चैप्टर का वो मैं कवर कर चुकी हूँ उसके उससे रिलेटेड हमने कुछ नाइनटीन ट्वेंटी के स्टडीज़ भी करी है ठीक है तो आप को अगर बहुत अच्छे से समझना है तो आप उन वीडियोस को भी प्लीज़ देख लीजिएगा ठीक है वो क्या पता आपको हेल्पफुल कर हेल्प कर दे राइट और इस इसके वीडियो के अंदर हमें पढ़ना है थ्री टाइप्स मतलब थ्री टीयर ऑफ रिडक्शन मेकानिज़म ठीक है ना जो सी पी आई के अकॉर्डिंग है मतलब सी पी आई के अंतर्गत आते हैं दो हज़ार उन्नीस के अकॉर्डिंग हम इसको आज डिटेल में समझेंगे ठीक है कि कैसे क्या काम होता है वो एक्चुअली में क्या होता है क्या काम करता है राइट सो लेट स्टार्ट इसमें लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मेकानिज़म यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी उसको बोल सकते हैं बहुत छोटे लेवल का होता है और इसके अंदर मतलब अप टू तो 55 लाख ,00 तक का जितना भी आपका अ, मतलब अप टू तो 55 लाख ,00 में जितना भी आपको प्रॉब्लम फेस्ड की है ना जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है अगर वो फिफ्टी लैख ,00 के फिफ्टी फाइव ,00 के अंदर अंदर का है तो आप इसके इस, इस कोर्ट में जाके अपना जो है कंप्लेन फाइल कर सकते हैं क्या लिखा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैजेक्शन टू एंटरटेन कंप्लेट्स वेर द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज अ कंसडरेशन डज नॉट एक्सीड वन करोड़ रुपीज़ ठीक है इसमें वन करोड़ रुपीज़ है क्योंकि आपको इसमें यही लिखना है बट अभी जब हम अक्टूबर के मंथ में दोबारा से इसमें अमेंडमेंट आई थी तो इसके अंदर हो गया है फिफ्टी फाइव लैख ठीक है बट अगर आपकी बुक में वन करोड़ रुपीज़ है तो यू हैव टू स्टक विद दैट ओनली और आपको पेपर में यही लिख कर आना है क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं कितने से कितने लैख तक का पैसा जो है वो हम कंज्यूमर मतलब डिस्ट्रिक्ट वाले में जा सकता है स्टेट वाले में नेशनल वाले में ठीक है ना ये पहले अमेंडमेंट आई थी तो उसके अंदर वन करोड़ था, तो था, One to two था फिर वन टू टू करोड़ हमारा स्टेट का था और फिर अबव टू करोड़ हमारा उसका था नेशनल वाले का लेकिन अभी जब अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी उसके अंदर हमारा फिफ्टी फाइव लैख तक का इसके अंदर था अपना डिस्ट्रिक्ट के अंदर और फिर फिफ्टी फाइव टू तो टू करोड़ हमारा था स्टेट के अंदर एंड टू करोड़ से अबव जो था वो हमारा नेशनल के था लेकिन मैं आपको दोबारा बार बार यही बोल रही हूँ कि जो बुक में लिखा है ना हमें वहीं तक का स्टक होना है हमें यहाँ पे वन करोड़ दिख रहा है हम वन करोड़ ही लिख कर आएंगे और एक काम और कर सकते हैं कि आप अपनी टीचर जो स्कूल टीचर जैसे उनसे भी एक बार रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि हम कौन सा लिखें क्योंकि अमेंडमेंट अभी नहीं चेंज हो गई है बट बुक में ये लिखा हुआ है वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपको वन करोड़ ही लिख कर आना है राइट right? और किसके लिए ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेसल मेकानिज्म कमीशन के लिए है ये लिखा है इधर ऑन द फर्स्ट ईयरिंग और एट द लेटर स्टेज इफ़ इट अपीयर टू डिस्ट्रिक्ट कमीशन टिक दैट देआर एलिमेंट ऑफ द सेटलमेंट विच मे एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज इट मीन डायरेक्ट दैम टू गिव देयर कंसेंट फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीप्यूट थ्रू मीडिएशन विद इन फाइव डेज इन केस द पार्टीज एग्री फॉर द सेटलमेंट बीडिएशन एंड गिव रिटर्न कंसेंट एंडस्ट्रिक्ट कमीशन रेफर्स टू द मैटर फॉर द मेडिएशन एंड प्रोवाइड रिलेटेड टू द मीडिएशन शेल अपलाई इसे बहुत ही नॉर्मल सी बात बोली गई है कि अगर आपका पहला दिन है हायरिंग या फिर उसके बाद का जो भी है अगर लेटर स्टेज है तो आपको क्या करना है अगर आपको लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन दैट एग्जिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेटलमेंट ठीक है तो आपको सेटलमेंट करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब अगर लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटलमेंट हो सकती है तो बहुत अच्छा है ठीक है ना आप जो है मतलब विद इन फाइव डेज आप मीडिएशन के थ्रू आपको रिजल्ट पता लग जाएगा कि क्या हुआ है क्या, हुआ है? क्या, हुआ है? क्या नहीं हुआ है लिखा इन द इवेंट ऑफ द फेलियर ऑफ सेटलमेंट अब अगर पांच दिनों के अंदर मीडिएशन के द्वारा सेटलमेंट नहीं हो पाता ठीक है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन प्रोसीड विद द फॉलोइंग कंप्लेंट तो हमें ये सब कंप्लेंट कर सकते हैं इफ़ द कंप्लेंट एलिजिस डिफेक्ट इन द गुड्स विच कॉन्टरमेंट विदाउट प्रॉपर एनालिसिस मतलब अगर हमारा कंप्लीट इस तरह से है कि गुड के अंदर जो गलतियां हैं डिफेक्ट हैं वो हम प्रॉपर एनालिसिस के बगैर नहीं कर सकते मतलब कुछ होता है जिसके अंदर लेबोरेटरी टेस्ट की जरूरत पड़ती है तो पाँच दिन में तो नहीं हो पाएगा वो और मेडिएशन का काम सिर्फ ये कि सट्टी पट्टी कराना ठीक है ना वो काम नहीं हो पा रहा उससे तो एक तो ये केस है हमारा और टेस्ट द गुड्स और कमीशन ऑफटेन टू तो द दैम्पल ऑफ द गुड सी इट रेफर टू तो द अप्रोप्रियट तो अथॉरिटी फॉर द एनालिसिस तो वो अप्रोप्रेट अथॉरिटी को तो देगा एनालिसिस के लिए दूसरा केस हो सकता है कि इन द केस ऑफ सर्विस डिस्ट्रीब्यूट इज सेटल बेस्ड ऑन द देश ऑफ एविडेंस वॉट मतलब नोटिस हमारे पास एविडेंस होगा उसके उस के ऊपर मतलब उसकी वजह से या फिर वो एज ए एविडेंस यूज होगा डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए टू इट्स नोटिस बाय द कंप्लेंट एंड कैन आस्क फॉर एनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कोई भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड फॉर द सर्विसज प्रोवाइडर फॉर द सेटलमेंट ठीक है ना तो ये इसमें लिखा हुआ है कि अगर सर्विस का केस है तो फिर आपको एविडेंस देना पड़ेगा ठीक है बॉट टू द नोटिस बाय द कंप्लेंट एंड आस्क फॉर एनी इन्फॉमेशन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में वो पूछ सकते हैं right? राइट और रिकॉर्ड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर फॉर द सेटलमेंट और मतलब हम लोग सर्विस प्रोवाइडर उससे भी कुछ बातचीत कर सकते हैं कि मतलब क्या काम था कैसे कि कैसा कुछ हुआ ही? मतलब कुछ क्वेश्चंस हम लोग सर्विस प्रोवाइडर के केस में कभी के कर सकते हैं right? राइट If any of the parties are not satisfied by the order of the district commission, अगर कोई भी पार्टी मतलब X और Y, मतलब दो पार्टी तो होगी ना एक जो प्रोवाइडर होगा और जो एक लेने वाला होगा ठीक है ना टेकर होगा ठीक है तो अगर दोनों से कोई भी पार्टी सेटिसफाइड नहीं होती कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन तो वो स्टेट कमीशन के पास जा सकती हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ द फैक्ट्स मतलब अपने सबूतों को लेके ठीक है लॉ विद इन अ पीरियड ऑफ फोर्टी फाइव डेज फ्राम द डेट ऑफ ऑर्डर ठीक है ना मतलब फोर्टी फाइव जिस दिन आपको ऑर्डर मिला जिस दिन रिजल्ट आया दिन मिली उस दिन से लेके लेकर पैंतालीस दिनों के अंदर अंदर उससे कमीशन के पास जाना है स्टेट कमीशन के पास और विद अपना एविडेंस के साथ मतलब एविडेंस वगैरह के साथ में ठीक तो है तो क्या बोल रहा है स्टेट कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट रिड्रेसल कमीशन और द स्टेट कमीशन इसमें लिखा हुआ इट इज स्टैब्लिश बाय द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है ऑर्डिनरी फंक्शन एट द स्टेट लेवल और नॉर्मल फंक्शन होता है एट द स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन है एंटरटेन कंप्लीट वैथ द वैल्यू ऑफ़ द गुड एंड सर्विसिज पेड एज द कंसिडरेशन एक्सीड वन करोड़ अगर एक करोड़ से ज़्यादा है बट दस करोड़ से कम है ठीक है एक करोड़ से ज़्यादा लेकिन दस करोड़ से कम तक की वैल्यू वैल्यू जो है हमारी अगर गुड्स एंड सर्विसज की है तो आप यहाँ पर लेकर आएँगे स्टेट कमीशन के अंदर ठीक है ना डायरेक्ट आपको वहाँ नहीं जाना इसका मतलब इधर की पता चल चलो चलते हैं वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट में भी दिखा लाते हैं, नहीं आपको डायरेक्ट स्टेट के अंदर आना है इफ़ एनी ऑफ द पार्टीज़ आर नॉट सेटिस्फाई अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है ना इस केस में तो क्या करना है आप जा सकते हैं मतलब ऑर्डर दिया उसके अगेंस्ट जा सकते हैं नेशनल कमीशन के अंदर लेकिन तीस दिनों के अंदर अंदर तो पहले वाले केस में पैंतालीस दिन था अभी वाले केस में तीस दिन है ठीक है कोई भी पार्टी विद लॉ एंड ऑर्डर के साथ और फैक्ट एंड एविडेंस के साथ राइट तो अभी क्या है कि नेशनल कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नेशनल कमीशन भी कहते हैं और ये बोल रहे हैं एज ए टेरिटोरियल डोडक्शन ओवर द होल मतलब कंट्री पूरे कंट्री का बहुत तगड़ा है ये मतलब छोटा मोटा नहीं है बहुत बड़ा है और नेशनल कमीशन हैज़ अ रोडक्शन टू एंटेन कम्प्लेंट्स वेर वैल्यू ऑफ द गुड्स ये उन कंप्लेंट्स को देखते हैं जहाँ पे वैल्यू इन गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज अ कंसिड्रेशन एक्सीड टेन करोड़ अगर दस करोड़ से ज़्यादा है अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके अगर दस करोड़ से ज़्यादा वैल्यू लग रखी है तो आप जो है वो नेशनल कमीशन के अंदर आएंगे ठीक है नेशनल कमीशन के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएंगे राइट और अगर इस केस में भी अगर आप उनसे खुश नहीं हैं उसके ऑर्डर पे तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं लेकिन तीस दिनों के अंदर अंदर जिस दिन आपको ऑर्डर मिला जो भी मिला मतलब कोर्ट की तरफ से कोई वर्डिक्ट वगैरह आया तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो आपको चार तरीके की हेल्प मिल रही है मतलब सी के अंदर और अगर आप सुप्रीम कोर्ट से भी खुश नहीं हैं तो तब तो, तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि आपको कहाँ जाना है ठीक है वैसे तो अपीलेट ट्रिब्यूनल है हमारे पास हम उसके पास भी जा सकते हैं मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है और मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी राइट तो ये हमारे तीन थ्री डीय थे रिड्रेसल मेकानिजम के जिसके थ्रू हम लोग कॉम्पनसेशन ले सकते हैं एंड दैट्स ऑल अबाउट टू डेज And I hope that you liked the video. And if you have any doubt, then do comment below and do subscribe. Do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye, guys. Take care.